खबर कानपुर नगर से है। कर्मकारों ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण कर निकाली तिरंगा यात्रा। 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की बयार बह रही है। पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम देखी जा रही है। इस दौरान कानपुर जर्नलिस्ट क्लब द्वारा अशोक नगर स्थित ऐतिहासिक पत्रकार पार्क में झंडारोहण करके देश के लिए कुर्बानी देने वाले बलिदानियों को भी याद किया गया। झंडारोहण जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष ओम बाबू मिश्रा और महामंत्री अभय त्रिपाठी ने किया। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित सभी पत्रकारों ने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत गाकर तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानी शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ओम बाबू मिश्रा ने कहा कि देश की आज़ादी में पत्रकारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। महामंत्री अभय त्रिपाठी ने कहा, आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारों का योगदान नहीं भुलाया जा सकता। कानपुर में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप अखबार उस समय आज़ादी के दीवानों का मुखपत्र हुआ करता था। पत्रकारों ने हमेशा निस्वार्थ, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता के जरिए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा काम किया है। जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, तो कानपुर वासियों और सभी पत्रकार बंदियों को मैं तहे दिल और कानपुर जर्नलिस्ट क्लब की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भारत की आज़ादी का उत्सव जोर शोर से मनाएं। जय हिंद। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के पत्रकार पार्क में हम पत्रकारों को स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है। अपने सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आजादी का महोत्सव। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं को और नेटवर्क टुडे के परिवार की ओर से सभी पत्रकार बंधु वही दूसरी तरफ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पत्रकार क्लब ऑफ इंडिया के तत्वधान में आजादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त झंडारोहण कर राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आए सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। मुख्य रूप से आए पत्रकार क्लब ऑफ इंडिया के संरक्षक अश्वनी दीक्षित, कैप्टन तपन दीक्षित, अजय पत्रकार मुखर्ता खान, सोनेलाल एडवोकेट ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का मुख्य रूप से संचालन कर रहे पत्रकार क्लब इंडिया के अध्यक्ष शिवनू शाह व सभी पत्रकार साथी पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।